नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जिससे आप रहते हैं अपडेट। तो बिहार समाचार में आज खबर लेकर आ रहे हैं शिक्षकों से जुड़े हुए, स्मार्ट मीटर, लैंड सर्वे और पंचायती राज के साथ राजनीतिक हलकों पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो अभी चर्चा चल रही है गांव-गांव में स्मार्ट मीटर को लेकर, जहां ग्रामीण एक तरफ स्मार्ट मीटर को पहले अमीरों के घर में, कल कारखानों और बड़े लोगों के घर में लगाने की मांग कर रहे हैं, वहीं बिजली विभाग ने एक नया घोषणा कर दिया है। स्मार्ट मीटर अब उन्हीं के घरों में लगेगा जिनके घरों में 60 एम्पियर या 19 KVA से कम का खपत है, लिमिट है। ज़्यादा वालों को स्मार्ट मीटर नहीं लगेगा, क्योंकि स्मार्ट मीटर में ऐसा जो बना हुआ है उसमें व्यवस्था ही नहीं है कि 19 किलोवाट से ज़्यादा के अधिक उपभोक्ता को वह रीड कर सके। तो यहाँ पर धक्का लगा उन्हें, जो पोस्टपेड मीटर है वही लगेगा, जहाँ कल कारखानों और बात कर रहे थे कि हम बड़े घरों में जहाँ जहाँ ज़्यादा खपत है वहाँ तो पहले वाला ही मीटर रहेगा। बहुत बड़ा यह अपडेट है और तकनीकी सीमा की वजह से उच्च खपत वाले उपभोक्ता को पोस्टपेड मीटर ही पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। और इधर दशहरा से पहले एस सिद्धार्थ ने दिया है शिक्षकों के लिए गुड न्यूज। बिहार के शिक्षक यह खबर सुन के थोड़ी उनको खुशी होगी। बिहार के शिक्षा विभाग के SES एस सिद्धार्थ ने दुर्गा पूजा के मौके पर शिक्षकों का प्रशिक्षण को 7 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक स्थगित करने का निर्णय लिया है। माना जा रहा है कि शिक्षकों के परिवार के साथ त्यौहार मनाने में सुविधा होगी। बिहार के सरकारी शिक्षकों की दशहरा की छुट्टियां मनाने का मौका मिलेगा। शिक्षा विभाग ने पहले से तय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। यह फैसला शिक्षकों के मांग पर लिया गया है। शिक्षक पिछले साल से ही दशहरा पर छुट्टी की मांग कर रहे थे। दरअसल दुर्गा पूजा के दौरान शिक्षकों की अनिवार्य सेवाकालीन प्रशिक्षण का विरोध शिक्षक कर रहे थे। शिक्षक दशहरा के दौरान प्रशिक्षण का विरोध कर रहे थे, जिसे विभाग ने मान लिया है। ट्रेनिंग स्थगित कर दी गई है। अब दशहरा में शिक्षकों लंबे समय से जो छुट्टी की मांग की जा रही है टीचर कर रहे थे, अब दुर्गा पूजा में कोई भी किसी भी तरह का प्रशिक्षण नहीं होगा, प्रशिक्षण रद्द कर दिया गया है। और इधर टॉर्च की रोशनी में 3 लाख के इनामी बदमाश का इनकाउंटर कर दिया गया। बदमाशों के स्कॉर्पियो घेर कर सरेंडर करने के लिए कहा गया था, पुलिस टीम पर उन्होंने ही हमला कर दिया स्कॉर्पियो के अंदर से ही। पूर्णिया का मोस्ट वांटेड डकैत मोहम्मद बाबर को सुरक्षा कर्मियों ने ढेर कर दिया है। STF और पूर्णिया पुलिस की टीम ने टॉर्च की रोशनी में उसका इनकाउंटर किया है। इनामी कुख्यात को इनकाउंटर मार गिराया गया है। पुलिस और STF की कार्रवाई देर रात तक चली थी। SP कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि पुलिस को देखते ही स्कॉर्पियो सवार बदमाश भागने लगे। पुलिस टीम ने पीछा किया तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने कहा आत्मसमर्पण कर दो, इसके बावजूद बदमाश फायरिंग बंद नहीं की। इसके बाद आत्मरक्षा में पुलिस की ओर से फायरिंग की गई, जिसमें कुख्यात बाबर मारा गया। हम आपको बता दें कि बाबर मूल रूप से बिहार के किशनगंज का रहने वाला है। उसके ऊपर बिहार और बंगाल में डकैती और लूट के कई मामले में 18 से अधिक केस दर्ज हैं। पुलिस को लंबे वक्त से कुख्यात बाबर की तलाश थी। कुख्यात बाबर के आतंक से बिहार और बंगाल के लोग ही नहीं बल्कि पुलिस और STF की टीम भी परेशान थे। और शिक्षा विभाग का जो लंबे समय से जिसका इंतजार कर रहे थे कि तबादला और पोस्ट ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का जो नियमावली कब आएगा, तो उसे जारी कर दिया गया है। और इसमें जो पहले से उम्मीद जताई जा रही थी उसी तरह से कुछ बातें हैं। पति पत्नी एक साथ रहेंगे, महिला दिव्यांग को पास के स्कूल में मिलेगा पोस्टिंग और सक्षमता पास
बनेंगे विशिष्ट शिक्षक, नई पॉलिसी जारी कर दिया गया है। बिहार सरकार ने शिक्षकों के लिए ट्रांसफ़र का पॉलिसी साफ कर दिया है, रास्ता साफ कर दिया है। सरकार की नई पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई। इस पॉलिसी के तहत अब BPSC पुराने शिक्षक सक्षमता पास शिक्षकों को अब अपने जिले में रहने का मौका मिलेगा। इस दौरान गंभीर रोग, मानसिक समस्या से ग्रसित शिक्षकों को तरजीह दी जाएगी। सिंगल महिला वीडियो को भी प्राथमिकता दी जाएगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अक्टूबर में इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन लिया जाएगा। इसके लिए उन्हें 10 ऑप्शन दिए जाएंगे। दिसंबर में उनकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। सरकार के इस कदम से करीब 5 लाख शिक्षकों को फायदा होगा। इनमें से पहली से आठवीं क्लास के शिक्षकों के कोई 4 लाख, वहीं 9वीं से 12वीं तक के शिक्षक शामिल हैं। और इधर बिहार में यूपी के तर्ज पर टोटी चोरी का काम, जी हाँ, अखिलेश यादव को टोटी चोर कहा जाता है यूपी का, लेकिन बिहार का टोटी चोर किसे कहा जाएगा जब बिहार में भी यूपी के तर्ज पर ही टोटी चोरी का काम हुआ है। तेजस्वी ने बंगला छोड़ा, टोटी से लेकर AC तक गायब कर दिया। सामान के साथ जा रही गाड़ी को पुलिस जब वहाँ के सुरक्षा गार्ड ने रोका तो वीडियो कॉल पर राबड़ी देवी से बात कराई गई। राबड़ी देवी ने कि एक ही झाड़ से सिपाही की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। पटना के 5 देश रत्न मार्ग स्थित जिस सरकारी बंगले में तेजस्वी यादव रह रहे थे, वहां से उनके हटते ही बंगले से टोटी, गीजर से लेकर कुर्सियां तक गायब हो गई। नए AC के हटाकर पुराने AC को लगा दिया गया है। दरअसल बात यह है कि डिप्टी CM बनने के बाद तेजस्वी यादव का को यह बंगला अलॉट किया गया था। महागठबंधन की सरकार गिरने के बाद भी उन्होंने बंगला खाली नहीं किया था। भवन निर्माण विभाग के नोटिस जारी करने के बाद तेजस्वी ने शनिवार को बंगला खाली किया। उनका सामान हटते ही बंगले के से सरकारी सामान भी गायब हो गए। डिप्टी CM आवास से जब यह सामान हटाया जा रहा था तो वहाँ मौजूद गार्ड ने सामान ले जा रही गाड़ी को रोका तो गार्ड ने कहा कि यह सरकारी सामान है। इतना सुनते ही गाड़ी का ड्राइवर बिहार के पूर्व CM राबड़ी देवी को वीडियो कॉल लगा दिया। राबड़ी देवी के फ़ोन पर आते ही पूछा, क्यों रे, किससे पूछकर तू सामान रोका है? सिपाही से पूछा, सिपाही की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। बोला, मैडम रोक नहीं रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ। वहीं अगर दूसरी खबर भी है, लालू राबड़ी परिवार से ही लैंड फॉर जॉब मामले में लालू समेत 9 को जमानत मिली है, उन्हें राहत मिला है। तेजस्वी बोले, केस में दम नहीं, हमारी जीत तय है। केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार समेत सभी 9 आरोपियों को जमानत मिल गई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से सभी को 1-1 लाख के निजी मुकलचे पर बेल मिली है। कोर्ट ने सभी को पासपोर्ट सरेंडर करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी। इस मामले में आज लालू परिवार की दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई। सुनवाई के लिए कोर्ट ने RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, तेज प्रताप और मीसा भारती पहुंचे थे। पहली बार इस मामले में कोर्ट की तरफ से लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को भी सम्मन भेजा गया था। तेजस्वी यादव ने इस पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा है कि ये लोग बार बार राजनीतिक साजिश करते रहते हैं, केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, इस केस में कोई दम नहीं है। बीजेपी जो सभी के साथ करती है वह भी हमारे साथ कर रही है, हमारी जीत पक्की है। और बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, दरभंगा से फंदे से लटकी मिली है BPSC टीचर का शव। अब इस पर सवाल खड़ा हो गया है कि आत्महत्या है कि हत्या है, क्योंकि 100 जो लटका हुआ था शिक्षिका का, 24 वर्षीय शिक्षिका का, उसके कान में हेडफोन था, उसके पैर जमीन पर थे, हाथ में आटा लगा हुआ था, लेकिन जिस फंदे से, जिस दुपट्टे से फंदा बनाया गया था वह उसमें आटा नहीं लगा हुआ था, और एक सुसाइड नोट लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ, मैं अपनी मर्जी से अपनी जान ले रही हूँ, मुझे माफ़ कर देना। यह सुसाइड नोट
दरभंगा में पोस्टेड बीपीएससी शिक्षिका निक्की कुमारी 24 वर्षीय हैं के कमरे से मिली है। उसकी लाश रविवार के किराए के मकान में दुपट्टे से लटकी हुई मिली है। निक्की मूल रूप से गोपालगंज जिले के बंकीखाल निवासी राधेश्याम विद्यार्थी की बेटी थी। दरभंगा के तिलकेश्वर थाने में सुघराइन गाँव स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में टीचर थी। सुसाइड नोट देखकर ये आत्महत्या लग रहा है, लेकिन आसपास के लोग हत्या की आशंका जता रहे हैं। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और वहीं कोलकाता सीबीआई बोली, ट्रेनी डॉक्टर के साथ गैंग रेप नहीं हुआ था। चार्जशीट में संजय राव को इकलौता आरोपी बनाया गया है। डॉक्टरों ने इसके विरोध में डॉक्टरों ने भूख हड़ताल जारी कर दिया है। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर का रेप मर्डर मामले में पहली चार्जशीट दाखिल की गई है, जिसमें एजेंसी का कहना है कि इसके साथ गैंग रेप नहीं हुआ है और वारदात को संजय राय ने अकेले अंजाम दिया था। करीब 100 गवाहों के बयानों और 12 पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद सीबीआई इस नतीजे पर पहुंची है। पुलिस ने संजय को घटना के अगले दिन 10 अगस्त को अरेस्ट किया था। 9 अगस्त को सुबह अस्पताल के सेमिनार हॉल में पीड़ित की अर्धनग्न डेड बॉडी मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया था कि विक्टिम के दोनों आंखें मुंह प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी। हालांकि संजय अब तक खुद को बेगुनाह बता रहा है। हालांकि संजय को पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में भी पहचाना है, लेकिन लोगों का कहना है कि गैंग रेप हुआ है, लेकिन सीबीआई नहीं मान रही है। अब जो जूनियर डॉक्टर हैं इसे लेकर हड़ताल पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और बिहार के लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है, बिहार पंचायत सचिव का भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 3525 पदों पर आवेदन कर सकते हैं और यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और इसके बारे में विशेष जानकारी आपको रोजगार समाचार जॉब एंड जॉब बुलेटिन में आपको मिल जाएगी, जॉब एंड एजुकेशन बुलेटिन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना ज़रूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।